हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग बनाएंगे फ्राइड मैगी। सो मैंने पहले से प्रिपरेशन कर रखी है। मैंने ऑनियन को चॉप कर लिया था, कैप्सिकम को भी चॉप कर लिया था और टमाटो को भी। और ये मेरे पास सारे स्पाइसेस हैं, जिसमें मैगी टेस्ट मेकर भी है, हल्दी है, लाल मिर्च पाउडर है और नमक है, ब्लैक पेपर है और मैंने थोड़ी सी राई भी ली है। और ये हमारे पास गार्लिक पेस्ट है और ये दो तरीके की सॉस है, एक ग्रीन चिल्ली है और एक सॉस है। और ये मेरे पास बॉइल्ड मैगी है। सो अब हम बनाना शुरू करते हैं अपनी मैगी। सो यहाँ पे मैंने तेल को भी गरम कर लिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ डालेंगे हमारे ये जो राई है वो मैं डालूंगी यहाँ पे। तो मैं राई ले रही हूँ, हमको राई डालना है सबसे पहले। और राई के बाद मैं डालूंगी हमारी सारी चॉप वेजिटेबल्स एक साथ। और अब मैं इसे अच्छे से चलाऊंगी। हमें बढ़िया से चलाना है हमारी चॉप वेजिटेबल्स को, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। आप इसमें और भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हो, जैसे कि गरम कल्ला गोभी, बट मैंने ये तीन ऐड करा है। और अच्छे से चलाना है। मैगी सबको बहुत पसंद होती है और आसान भी है बनाना, बट सिंपल तरीके से अच्छा है। हमें थोड़ा सा क्रिएटिव तरीका अपनाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ हमारी बॉइल्ड मैगी को। अब हमें इसे अच्छे से चलाना है। और अब हमारे सारे मसाले ऐड होंगे मैगी में। मैंने मसाले को एक जगह कर रखा था, सब डाल देंगे। और अब फिर हमें अच्छे से मिक्स करना है जो हमारे मसाले हैं, सारे स्पाइसेस को हमें एक जगह मिक्स करना है। अब मैं यहाँ पे एक टेबलस्पून गार्लिक और जिंजर का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। इसे भी हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। सो ये हमारा मिक्स हो रहा है अच्छे से। आप लोग मैगी को पहले भी बॉईल कर सकते हो और जब आप बना रहे हो आप जब भी मैगी डाल सकते हो। और अब मैं ऐड कर रही हूँ रेड सॉस और अब मैं ऐड कर रही हूँ ग्रीन सॉस। और अब मैं इसे अच्छे से चलाने वाली हूँ। तो काफ़ी खटरपटे की आवाज़ आ रही है। एक जगह हो रहा है और आप थोड़ी सी आग को भी तेज कर सकते हो गैस को। और अब ये जो मैगी है वो हमारी बस बनने ही वाली है। सो अब मैंने
गैस को बंद कर देना है। ये हो गई गैस बंद, और मैगी की ट्रे लेते हैं जिसमें हम सर्व करेंगे। तो ये मैगी देखिए आप, बन के रेडी है, गर्मा गर्म एकदम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।